This is Akanksha and today I'm going to share a video on revamping the corner. Basically, हमारे घरों में ऐसे कुछ corners होते हैं जिन्हें हम कभी use नहीं कर पाते, like bedside corners होते हैं, balcony में या washroom में या कोई भी show places होते हैं, ऐसे corners जिन्हें हम कभी भी use नहीं ला पाते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसा video लेकर आए हैं जिसमें हम unused corner को useful corner में convert कर देंगे। So ready guys, let's get started. So this is the corner that I'm gonna revamp today. और ये मेरे बेड साइड का कॉर्नर है जो बिल्कुल भी अनयूजफुल है बिकॉज ऑफ दिस बालकनी का गेट। मैं अपने बेड को कॉर्नर में शिफ्ट नहीं कर पाती हूँ एंड दैट इज़ द रीज़न ये जगह एकदम से वेस्ट हो जाती है। सो इस स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए मैं अब इसको अपने वर्क प्लेस पर कन्वर्ट करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर रखूँगी एक छोटा सा टेबल सो दैट आई कैन स्टडी ऑन इट। तो ये मैंने टेबल रख दिया है यहाँ पर एंड देन मैं इस पे अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ें रख लूँगी। बट बिफोर दैट मैं नीचे का स्पेस कंफर्टेबल करने के लिए वहाँ पर एक स्मॉल कॉटन रग बिछा दूँगी सो दैट आई फील मोर कंफर्टेबल फॉर स्टडिंग ओवर हियर। एंड देन मैंने यहाँ पे रख दिया है अपना एक पेन स्टैंड जिसमें मैं अपनी सारी एक्सेसरीज पेन पेंसिल एंड मार्कर सब कुछ जो भी मुझे ज़रूरत है वो मैं रख देती हूँ। आफ्टर दैट मैं कुछ शो पीसेस यहाँ पर रख रही हूँ ताकि ये प्लेस मोर डेकोरेटेड लगे एंड मैं अपनी कुछ बुक्स भी यहाँ पे रख देती हूँ। सी दिस वे मैं अरेंज कर दे रही हूँ अपनी सारी बुक्स को एंड आई विल प्लेस इट ओवर हियर। ये मैंने रख दिया। नाउ थोड़ा और डेकोरेट करना है मुझे सो कोई भी नॉर्मल सा शोपीस रख दिया मैंने और उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से डेकोरेट कर रही हूँ। उसमें मैंने अपने एसेंशियल्स रख दिए हैं जैसे कि सेलो टेप पेनॉल पैसे रख दिए हैं। छोटे छोटे टेडीज क्यूट क्यूट से इससे भी मैं थोड़ा सा यस मुझे तो ये अभी से ही बहुत सुंदर लगने लगा है। मेरे पास ये छोटी सी क्यूट सी चेयर है इसे भी मैं यहाँ रखूँगी एंड वाओ ये मैंने किया है, लव इट। सो होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा एंड मुझे फॉलो करिएगा। ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूँगी सो होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।